the dust, I was born. To the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिम बलोच और आप देख रहे हैं जय बलोच यूट्यूब चैनल। आज हम जाएंगे, थोड़ा सा काम है। जुनैद भाई वेट कर रहे हैं नीचे, उसके बाइक का हॉर्न मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको देंगे, वो नीचे खड़ा हुआ है, उसके साथ ही चलेंगे। ये रहा भाई, अनीस भाई आ चुके हैं। ये बाइक देखो माशाल्लाह, बिल्कुल रिस्टोर कर दिए, आप लोग चेक करें, सर न्यू लग रहा है। अभी जाते हैं उधर ही घर के पास, तो इसका पूरा रिव्यू लेके आएंगे आप लोगों के लिए, पूरा दिखाएंगे क्या क्या चेंज किया है। अभी तो हम लोग आपके लिए ये रिव्यू लेके आए हैं कि ये बाइक का पूरा रिव्यू देंगे, कौन सा मॉडल है, वेरिएंट वगैरह सब कुछ बताएंगे। पहले ये बता दो कि ये सुपरस्टार 2008 मॉडल है, इसको पूरा रिस्टोर किया है, इसके सारे मैं स्पेक्स बताता हूँ, क्या क्या चेंज किया है और क्या क्या खर्चा है। अभी आप लोगों को शुरू से बताता हूँ, आप इधर आइए, ये दिखाता हूँ। पहले इसका जो मडगार्ड है, ये हमने बाय नहीं किया है, ये हमने देखो पेंट किया है, ऐसा पेंट किया है ये नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात, इसका व्हील पड़ा हुआ था, इसका व्हील हमने ये बफ करवाया है और ये तारे नए डाले, और ये ड्रम भी पड़ा हुआ था हमारे पास पुराना, हमने ये भी पेंट कराया है, मतलब बफ कराया है। और इसके आगे वाले शॉक्स हैं, जो ये आगे वाले शॉक्स से हमने ये कवर होते हैं, ये हमने चेंज कराए हैं, और ये शॉक्स के ये बफ कराए हैं, अंदर से हमने रिपेयर करवाए। और ये वाले, ये जो हेडलाइट के होल्डर हैं, ये हमने चेंज करवाए, सही है, हेडलाइट चेंज करवाए ओरिजिनल। और ये सुपर पावर के इंडिकेटर हैं जो हमने चेंज करवाए, इसके अवेलेबल नहीं थे। और ये आप देखें, ये मोनोग्राम 2018 मॉडल के सुपर स्टार के, ये हमने चेंज करवाया मार्केट से। और ये मीटर आप लोग दिखाइए, ये मीटर 2022 मॉडल के सुपरस्टार का हमने डाला है। और ये हैंडल बार हमारे पास पड़ा हुआ था पुराने बाइक का, तो हमने ये भी चेंज करवाया, सही है, ये चेंज करवाया। और ये हमारे पास ये पड़ा हुआ था, ये टैंक का ढक्कन पड़ा हुआ था, ये भी हमने पुराना वाला डाला है। और ये ओरिजिनल हमने लिए सुपरस्टार के टंकी और टापे, ये हमने मतलब लिए हैं कंपनी से, ये ओरिजिनल है। और इसके इंजन पे आ जाओ तो इसका इंजन हमने बफ कराया है, और हेड सिलेंडर हमने ये सारा अंदर से रिन्यू करवाया है। और ये आप लोगों को बता दो कि इसका हमने सीट भी नया डाला है ओरिजिनल सुपरस्टार के कंपनी से। और ये शॉक्स हैं, ये भी सुपरस्टार के ओरिजिनल हमने डाले। और ये स्विंग आर्म है, ये भी हमने सुपरस्टार का ओरिजिनल डाला है। और ये साइलेंसर हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, ये भी हमने चेंज करवाया पूरा, ये चेंज करवाया, ये सुपरस्टार के ओरिजिनल है। और पीछे आ जाएं, ये व्हील वगैरह ये भी हमने चेंज करवाया, इसका ब्रेक लाइट हमने चेंज करवाया, ये होंडा का ओरिजिनल है। और ये सुपरस्टार के सुपर पावर के हमने इंडिकेटर डाले हैं, ये मडगार्ड भी हमने पेंट करवाया पुराना, पिछला वाला ये भी पुराना था हमने पेंट करवाया। और इस साइड पर आ जाएँ, अभी आपको दिखाता हूँ। और ये चेन कवर है, ये भी हमने चेंज करवाया है, और ये भी ओरिजिनल हमने डाले हैं, ये फोर्ट्रेस। और ये साइड स्टैंड, ये हमने नया डाला है, ये हमने नया डाला है, गियर लीवर नया डाला है। और कार्बोरेटर आप देख सकते हैं, ये 2015 मॉडल के यूनिक के, सही है। और आ जाए यहाँ पे साइड में, देख सकते हैं चेसिस, ये बिल्कुल साफ़ है, यही पुराने मॉडल का हमने चेंज नहीं करवाया है, ये 2008 मॉडल है, ये वही चेचिस है, बस ये कलर करवा है। अभी आप आ जाएं यहाँ पे, अभी आप लोगों को बताता हूँ कि इसका खर्चा कितना आया और क्या क्या सामान चेंज हुआ है, आप लोगों को मैंने बता दिया। ये 2008 मॉडल यूनिक है, इसका हमने सारा ये कुछ चेंज करवाया है, वो भी घर में खुद मैकेनिक से नहीं करवाया, ये तकरीबन पड़ा है 32,000 रुपये का। अगर आप मैकेनिक से करवाएं तो 55,000 से 60,000 आपको कॉस्ट करेगा। ये हमने सारा चेंज करवाया, रिस्टोर करवाया है। और आप ये पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन में कि कैसा बाइक था, हमने इसको शक्ल में हम इसको लाए। और ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, कहीं से भी ये आप लोगों को लोकल नहीं दिख रहा,
बिल्कुल ये 2022 मॉडल सुपरस्टार ही लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं इतना प्यारा रिस्टोर किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने दे दिया इस बाइक का पूरा रिव्यू, कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को। अभी इसका साउंड टेस्ट करवाएंगे, चलिए आ जाइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साउंड टेस्ट इसका हो गया माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। जो मतलब इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे उसका टेंशन नहीं लेनी, उसका हम कुछ मतलब उसको खुद रिपेयर करके उसको कर देंगे कुछ इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को छोटा सा इसका राइड करवाएंगे, देखेंगे चलाने में मज़ा आ रहा भी नहीं है कि इसको टूर में भी लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को ये बता दूं कि माशाल्लाह इसके पावर में कोई कमी नहीं है। आप लोगों को पता है इसके इंजन में थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन किया है, ये टूर में भी लेके जा सकते हैं। इसका इंजन पूरा रिपेयर करवाया है इंशाल्लाह। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, ये बाइक आप लोग लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू आप लोग चेक कर सकते हैं। ये उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। डबल अट